को भी शर्मा जी के निकम्मेपन ने खत्म कर दिया है आप व्यूज को। सोसाइटी तो मस्त है, क्या नाम है शर्मा सोसाइटी का? पूरा पूरा जो मेरा फ्लैट है वो लगभग 2 करोड़ का हो गया है। हेलो, कैसे हो आप सारे जने? नमस्कार, शर्मा जी के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वाला वीडियो जो स्पेशल वीडियो बना रहे हैं शर्मा जी के व्लॉग्स और क्वेश्चन आंसर, तो वेडनेसडे या फिर हफ्ते में एक दिन हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन आंसर के जवाब देने का। आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे व्लॉग के ऊपर, तो जवाब देंगे। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब दोनों जने देंगे फटाफट से। सबसे पहला जो सवाल है वो तन्मय चंद्र जोशी पूछते हैं कि लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज? जवाब जरूर देना, दो जवाब। हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है। ठीक है, बार मिल गया जवाब। और कोई रिएक्शन देना है तो कमेंट में। ठीक बार पूछते हो आप ये बात। है, भरत राजपूत पूछते हैं, मैम आप पंजाब से हो या फिर आपको पंजाबी आती है? मैं पंजाब से भी हूँ और मुझे पंजाबी भी आती है। तो बोथ ऑफ देम टिक हो गए सवालों के जवाब। आप मैम, आपने फ्लैट कितने का परचेज किया है? वजह से ये पूछ रही थी कि हमने खरीदा है या रेंट पे लिया है, तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। फ्लैट जो है वो हमने लिया है लगभग 1.55 करोड़ का। ये फ्लैट की कॉस्ट थी, उसके ऊपर जो सब कुछ है रजिस्ट्री और इंटीरियर वगैरह मिला के पूरा पूरा जो मेरा फ्लैट है वो लगभग 2 करोड़ का हो गया है। और ये जो है सबसे खतरनाक सवाल है, बहुत आता है, आकाश सैनी ने पूछा है, शर्मा जी सिस्टर या वाइफ? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपस में लड़ लो नीचे और बता दो, जो सबसे सही जवाब देगा उसको जो है वो पता लग जाएगा कि जवाब किसका सही है। हाँ हेलो, बताओ कुछ मैं कहना चाहते हो। बता चुकी हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ, कोई सिस्टर नहीं हूँ, कोई साली नहीं हूँ। और क्या, पहली वीडियो आपने देखी नहीं? पहली वीडियो देख तो पता लग जाता आपको, है ना? अगला जो सवाल है, मैम आप भी बॉक्स खोलना शुरू कर दो शर्मा जी की तरह, क्या खोलना शुरू कर दो? अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दो, है ना वैसे मैं करती थी पहले अभी अनबॉक्सिंग। सब कुछ बंद है, अब कोई फोन आएगा तो मैं ही करूंगी अनबॉक्सिंग। फोन आएगा, नॉन टेक्निकल चीज आएगी किचन में, कुछ आएगा। तो बनाई नहीं थी, जो सबसे पहले आया था वो तो खोल भी दिया था सबसे पहले। बताओ, सारे बच्चे पूछ तो रहे हैं। तो आने वाले प्रोडक्ट जो आएंगे उसमें अनबॉक्सिंग करेंगे। अगला सवाल है कि शर्मा जी आप कुछ खाना बना के दिखाइए, आप ओनली खाना खाते रहते हो, क्या बात करते हो? हमने आपको 2018 नहीं 2017 के अंदर जो है वो गाजर का हलवा बना के दिखाया था, और दिखाया था ना गोलगप्पे। गोलगप्पे तो अभी बना के दिखाया था, लेकिन मैंने नहीं बनाए थे वो, तो गोलगप्पे मैंने बहुत पहले बनाए 2015 के अंदर या 14 के अंदर। मैं छोटी थी। हाँ तो गाजर का हलवा बना के दिखाया था। और आप बताओ कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी कौन सी बनानी है, हम जो है बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, भाभी जी आप लोग जयपुर कब और क्यों शिफ्ट हुए? कब शिफ्ट हुए वो बता देते हैं, 30 नवंबर 2019 को यहाँ पर आ गए थे हम। क्यों शिफ्ट हुए वो तो, ये तो चाहते नहीं थे आना यहाँ पे। और इसके लिए एक बड़ी पूरी वीडियो मैंने, हालांकि हिंट दिया था मैंने एक वीडियो के अंदर, अगर आपने मेरी वो देखी होगी न्यू सिटी न्यू लाइफ न्यू कार वाली, तो उसमें आप जाकर देखो, थोड़ा बहुत हिंट दिया है, बाकी अलग से बताएंगे। 1000 लाइक का अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इस वीडियो को 1000 लाइक मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बता देंगे। और क्या पता जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो रहा है 3 मई को, उसी दिन ये वीडियो अपलोड कर दें कि हाँ जी ले लो, क्या ना कुछ। दिल्ली दिल्ली है, जयपुर जयपुर है, जब बैंगलोर से दिल्ली आई थी तब, फिर बेंगलोर बेंगलोर था। और जब बैंगलोर से फिरोजपुर से बैंगलोर गई थी जब अरे यार, फिरोजपुर तो फिरोजपुर है ना, फिरोजपुर तो मेरे दिल में बसा हुआ है, वो तो कभी निकल ही नहीं सकता है। चलो अगला सवाल जो है वो बड़ा कठिन सवाल है भाई। इस चैनल को भी शर्मा जी के निकम्मेपन ने खत्म कर दिया है, आप व्यूज को मत देखो, लाइक मत देखो, वीडियो पर चैनल बनाते रहो, कंफर्म ग्रो करोगे। तो भाई विकास, तुमने बात बिल्कुल सही कही है, निकम्मेपन की बात नहीं है, बात है मोटिवेशन की। जब आप किसी से मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो फिर जो है वो इंसान कोई नई चीज ढूंढता है। जब मैं बैंगलोर में था तो 5 साल मैंने नौकरी की वहां पे, और 4 साल में बोर हो गया था कि अब क्या करूं क्या करूं। 5वां साल मैंने सिर्फ यूट्यूब को चलाने में जो है वो निकाला था, तो अब मुझे यूट्यूब पे भी लगभग 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ नई चीज मिले जो आपको दिखाएं, तो मेरा मोटिवेशन आया काम करने के अंदर। और लाइव व्यूज मत देखा करो, ये कह रहे हैं लोग, ठीक है, आज से व्यूज देखने बंद। आएगी थोड़ी देर में, देखना मेरे व्यूज कितने हो गए, है वो तो ना देखने वैसे? पड़ते हैं ना, कैसे कितने बोलती है, व्यूज आ रहे हैं। कैसे बोलती है बताइए। ये भी तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी जान आती है बनाने की। चलिए अगला सवाल है मोहम्मद अकबर का, वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस व्लॉग दीदी, आपने शादी के पहले का फोटो दिखाओ, शादी के पहले का फोटो दिखाओ, ये रहा आपके सामने। तो ये वाला फोटो जो है वो कब का है, जब हमारी जुलाई 2 या 3 जुलाई 2000 कितने का, 11 का है। ये सगाई का फोटो है हमारे पास में, और इससे पहले का मेरे पास कोई खास फोटो जो है वो नहीं है।
सोसाइटी तो मस्त है, क्या नाम है शर्मा सोसाइटी का, क्या नाम है यार सोसाइटी का, नाम थोड़ा ना बताएंगे, है ना, क्या बातें करते नहीं हो? बताएंगे फिर आप लोग घर पे आ जाओगे ना, है ना, फिर आपको नीचे गार्ड पकड़ लेगा, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, सिक्योरिटी को बुलाएगा टू 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 टू। चलो अगला सवाल जो है वो है शुभम द्विवेदी का, शादी कब हुई थी, कौन से ईयर में, बताओ सवाल का जवाब। मुझे पता ही नहीं मेरी शादी कितने साल हो गए, 8 साल हो गए शादी को, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए शादी को, 2011 में हुई थी ना, बताओ 8 नवंबर 2011 को हुई थी, काउंटिंग कर लो कितने साल हो गए। मैम आपको रोटी खानी चाहिए, रोटी से मोटापा नहीं बढ़ता है, समझाओ कोई समझाओ, वैसे समझाओ, ठीक है आज से रोटी खाना शुरू, दो रोटी भी नहीं खाना शुरू करी है, गोलगप्पा चैलेंज विनर ने कहा था, आप भी नहीं खाते रोटी, आप क्या देख रहे हो, आपकी मैगी भी बंद है, कल बच्चे ने दो रोटी खाई थी पूरी, इसने खा ली दो रोटी पूरी, इसने ना खाई दो रोटी। अगला सवाल, वेरी वेरी नाइस सोसाइटी, शर्मा जी आपने रेंट पे लिया हो या फ्लैट खरीदा है, ज्यादा पर्सनल हो तो रिप्लाई मत देना, बस हर्ट दे देना, देख भाई हर्ट तो दीजिए मैंने पहले ही, पर्सनल वाली कोई बात नहीं, मैंने बता दिया शुरू में कि खरीदा है और कितने खरीदा वही बता दिया मैंने यहाँ पर, और बस लाइक करे जाओ, कमेंट करे जाओ और जवाब लिए जाओ। अगला जो है वो आर्यन शर्मा कहते हैं, नाइस वीडियो, हम नहीं भूले शर्मा जी लाइक करना, और पराठे वाला चैलेंज का क्या हुआ, बिग फैन, तो बहुत बार कमेंट आ गए हैं, वजह से पराठा चैलेंज क्या करेंगे, तो हम पराठा चैलेंज भी करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि दो तरह से करें, एक तो ये है कि खाने खाने वाला करें सिंगल टाइप का पराठा, या फिर जो है वो 10-12 तरह का अलग अलग पराठा बनाएं और फिर उसको खा के बताएं कौन सा पराठा है, तो आप बताओ दोनों में से कौन सा पराठा चैलेंज करना चाहिए, मतलब ज्यादा खाने वाला या बताने वाला कि ये कौन सा पराठा है, बताओ कौन से वाला, जोर से बताओ, बच्चों को नहीं बताया ना, सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बताने वाला, बताने वाला, वेट लॉस पर एक वीडियो बनाओ शर्मा जी, बनाओ शर्मा जी वीडियो पर एक लॉस, वेट लॉस पर एक वीडियो, वेट लॉस पे भी। तो अगर आपने मिसेस शर्मा जी को फॉलो नहीं किया ट्विटर पे कर लेना @MrsSharmaji, हैंडल बड़ा जबरदस्त मिल गया है, सर्च करने में नहीं मिले तो twitter.com/MrsSharmaji लिख के फॉलो कर लेना। वीडियो एडिट कौन करता है, ये भाई साहब जो वीडियो एडिट करते हैं, और हो सकता है कि आज वाली एडिट, आज वाली वीडियो मैंने एडिट करी हो, लेकिन मोस्टली ये भाई साहब हमारी जो वीडियो एडिट करते हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा सेल्फी कैमरा के सैंपल के अंदर इनको। अरे मैम ये पगलाई आप जान के करते हो या मजाक में करते हो? आपको हंसाने के लिए करती हूँ, और वैसे भी मैं घर में ऐसे करती ही रहती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं करती, घर में तो खूंखार रहती है, ब्लॉग में थोड़ी देर शांति आती है, जब ब्लॉग बनता है तो घर में थोड़ी देर शांति है ना, वैसे मतलब मम्मी डांटती रहती है ना, बताओ बोलो उधर देख के, सामने देख के बोलो, मम्मी ब्लॉग में जैसे बोलती है ऐसे बोलती क्या हमसे, बोलो, नहीं बोलती ना, डांट के बोलती है ना बहुत जोर जोर से। चलो अब वचस्वी के लिए सवाल आए हैं बहुत सारे, तो वचस्वी बताएंगे यहाँ पर जवाब, वचस्वी टाइम क्या हुआ है बताओ, टाइम जल्दी बताओ, अभी इसको टाइम नहीं देखना आता, अभी अभी घड़ी मिल नहीं रही, बनना थी ये देख लो, ये घड़ी, टाइम क्या हुआ वचस्वी, 12:40। अच्छा अगला सवाल, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, हिंदी इंग्लिश मैथ के पेंटिंग, क्या पसंद है आपको बताओ, उधर देख के बताओ जो हाँ, समझो। चलो अगली बात, कौन सी ऐप जो है आप यूज करते हो, आपने मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो सबसे ज्यादा, क्या चीज देखते हो आपने फोन में सबसे ज्यादा, जो से ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा क्या देखते हो, टिकटॉक, टिकटॉक और टिकटॉक यूट्यूब देखती है आजकल, जो उसने गेम भी खेलने के लिए लूडो किंग शुरू करी है, कैरम शुरू करी है ना। चलो अगला सवाल, आपके पास में फोन है या टैबलेट है, कौन सा फोन है आपके पास, सैमसंग का गैलेक्सी नोट 8 और सैमसंग का गैलेक्सी S9 प्लस, ये दोनों फोन है इसके पास में, एक की बैटरी खत्म होती है दूसरा फोन, दूसरे की बैटरी खत्म होती है पहला वाला फोन, है ना। अगला सवाल ये है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है दोनों में से, मम्मी करती है पापा करते हैं, बताओ, आज तो बताना ही पड़ेगा, सामने देख के बताना है, वर्चस्वी कहती है फिर आप गुस्सा हो जाओगे, चुप बोलो, हाँ बोल के बताओ, उधर बोलो, उधर जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, उधर जाके बोलो, बोलो जोर से बोलो, बोलो, जवाब नहीं है इसके पास में। मिस्टर शर्मा जी आप खाना बना लेते हो क्या, नहीं नहीं मिस्टर शर्मा जी आप खाना बना लेते हो क्या, वचस्वी देख क्या सवाल पूछा है, ये पूछे पापा को खाना बनाना आता है क्या, बता 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 बता, अरे मेरे को सब बनाना आता है, मुझे दुनिया का हर काम करना आता है, लेकिन हम नहीं करते हैं, हम आलसी हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा। और क्या ये सच है कि भाभी जी को कुछ नहीं आता है शर्मा जी? क्या लोग पूछ रहे हैं मिस शर्मा जी कुछ नहीं आता है, हाँ कुछ नहीं आता है, ऐसी 10 साल निकल गए शादी को, मम्मी को आता है ना, चक्कर आता है, उल्टी आती है, और क्या आता है, घबराहट होती है, नखरा आता है, शॉपिंग के दौरे पड़ते हैं, है ना, है ना, मेकअप करना आता है ना,
वो तो सबको आता है मेकअप करना है ना, तो ना वैसे ही बता मम्मी क्या आता है, डांटना आता है, झगड़ना आता है, लड़ना आता है ना, लड़ते से हर बार, हाँ लड़ते साथ में लेते हैं, पर एक्चुअली तो ये मम्मा दादा चिल्लाती या आप दादा चिल्लाते, क्या क्या चिल्लाते हो, मम्मी ज्यादा चिल्लाती है या पापा ज्यादा चिल्लाते हैं, इसकी आवाज अभी भी चिल्लाने दे। चलो अगला सवाल, मैम आप बिना मेकअप के वीडियोस बनाएं ज्यादा नेचुरल रियल लगोगे, जस्ट ए ऑप्शन, डोंट टेक टेक इट अदरवाइज, बताओ। ड्रामनी लगूंगी बिना बिना मेकअप के वीडियो बनाऊंगी तो मेकअप तो करना पड़ता है भैया। शर्मा जी तो बिना मेकअप के मुंह पे कुछ भी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं लगाता, सूखा पड़ा बिल्कुल, तो कुछ भी देख अगर हम ये भाई इतनी सी है ये मेकअप करती रहती है, तो भैया मेकअप नहीं करना चाहिए, सादगी में ही सुंदरता है, किसी ने कहा था, ये देख लो। चलो अगला सवाल, हेमंत कहते हैं बहुत मतलब ही हो आप, अगर लाइक नहीं आएंगे तभी आप बताओगे अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं है मतलब ही यार, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बहुत मतलब ही है, हम तो बहुत मतलब ही है, ये दुनिया मतलब के लिए चलती है भाई साहब, लाइक तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठोको लाइक, बोलो ठोको लाइक, कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना वजस्वी को भी सब करना। इसका भी चैनल है, आपको पता नहीं होगा इसका भी चैनल है वजस्वी, वहां पे डांस करती है, कैसे करती है डांस करके दिखाना जरा सा, ए शर्मा भाई बड़ी छोरी। चलो सच सच बताना, क्या आपकी और सासू माँ की बनती है? यार ये क्वेश्चन तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं बनती है, बनती है हमारी, बहुत ज्यादा बनती है। झूठ, वजस्वी क्या बोल रही है? देखो कभी कभी हम अपनी मम्मी से भी तो लड़ाई ये होती सवाल ही है। गलत है, ये पूछने का मतलब ही नहीं है, किसी की नहीं बनती है। चलो आखिरी सवाल जो है ये मैडम के लिए है, मैडम पढ़ के बताएंगे, खुद ही सुनाएंगे इसका जवाब। टेक्निकल गुरुजी मिलते हैं क्या शर्मा जी से? जयपुर में लॉकडाउन कैसा है? वैसे मैं सीकर राजस्थान से हूँ। टेक्निकल गुरुजी नहीं मिलते हैं हमें अब, पहले मिलते थे, कुछ बताऊं उनके बारे में? आपकी जो राय है बता दो, खुले हो बिल्कुल फ्री हो बताने के लिए। वो जब हम लोग कहाँ पर थे, दिल्ली में थे, तब वो हमारे घर भी आए थे रहने के लिए, वो 6 महीने हमारे घर में भी रह के गए हैं। आप मानोगे नहीं, मैं उसके लड़के के लिए खाना भी बनाती थी, उसको खिलाती भी थी, 6 महीने रह के गया है ना वो शायद, हाँ तो वो रह के गया, हमारे घर में रहता था सारा दिन, सुन लो गुरुजी के लिए। बस खत्म, और कुछ ऐसे तो बहुत सारी बातें करने को, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और फटाफट से आप क्या करना है, सवालों के जवाब मिल गए हैं आपको, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब जहां पर मिलते हैं फॉलो सब्सक्राइब लाइक करके रखना, ठीक है वजस्वी वीडियो खत्म करो। चलो बोलो, भूलना नहीं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे साथ बने रहिए, बोलते रहिए। चलो माता की जय।